Wah! Burn it down. Burn it. वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आजकल काफी गर्म चर्चा का विषय है जो हम सब ने सुना होगा, पर ये आखिर होते क्या हैं और इनमें क्या क्या असमानताएं हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं के बारे में। चलिए शुरुआत वर्चुअल रियलिटी से करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की गई एक काल्पनिक दुनिया होती है जो कि हमारे असली वातावरण के बदले दिखाई देती है और महसूस होती है। उदाहरण के रूप में हम चश्मा रूपी हेडसेट लगाते हैं जिसके स्क्रीन पे हमें आसपास की दुनिया वही दिखेगी जो कंप्यूटर दिखाएगा। ऐसा करने से हमें एहसास होगा कि हम किसी और जगह में हैं, जो कि दिमागी टेलीपोर्टेशन जैसा होता है। वर्चुअल रियलिटी शब्द 1987 में अस्तित्व में आया। ये शब्द एक कंप्यूटर वैज्ञानिक दार्शनिक जेरोन लेनियर की दिमागी उपज थी। चलिए वर्चुअल रियलिटी को तोड़कर उसका अर्थ समझते हैं। वर्चुअल का अर्थ होता है एक ऐसी चीज या जगह जो कि भौतिक रूप में मौजूद नहीं है पर उसे वास्तविक तौर पर दिखाया और आभास कराया जा रहा है। तो VR हमारे वास्तविकता के समीप है जो कि डिजिटल है, वास्तविक नहीं। पिछले कई सालों में निंटेंडो और NEC जैसी विभिन्न कंपनियां VR को उपभोक्ता बाजार में लाने का प्रयास करती रही हैं, पर इसमें कामयाब नहीं हो पाई। उनकी असफलता का मुख्य कारण उन्नत तकनीक की कमी कहा जा सकता है। वर्तमान में यह गेमर्स, 3D आर्किटेक्ट्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के बीच यह काफी प्रचलित होता जा रहा है। लगातार असफलताओं के बाद अब VR ने कुछ उम्मीद की किरण दिखाई है। चलिए अब ऑगमेंटेड रियलिटी की ओर बढ़ते हैं, जिसे मिली जुली वास्तविकता भी कहा जा सकता है। यह एक अलग ही जीव है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को हटाकर एक नई दुनिया में ले जाना नहीं होता, बल्कि हमारे असली दुनिया में ही कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की गई कुछ जादुई वस्तुओं का भरना होता है। जब एक व्यक्ति की वास्तविक दुनिया में एक काल्पनिक दुनिया को जोड़ा जाता है तब उसे ऑगमेंटेड रियलिटी कहा जाता है। तो अगर आपने पोकेमॉन गो खेला होगा या स्नैपचैट में लेंस फिल्टर यूज किया होगा तो आप पहले ही ऑगमेंटेड रियलिटी के शुरुआती स्वरूप को देख चुके हैं। ऑगमेंटेड एक लैटिन वर्ड ऑगेरा से आया है जिसका मतलब होता है कुछ जोड़कर नया बनाना। अतः AR हमारी वास्तविक दुनिया में डिजिटल दुनिया को जोड़ता है। वर्तमान में ऑगमेंटेड रियलिटी का भविष्य माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ काफी उज्जवल नजर आ रहा है। चलो अब फटाफट दोनों तकनीकों का सार समझ लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी अपने आप में एक पूरी दुनिया होती है जो कि वास्तविक दुनिया से पूरी अलग एक काल्पनिक दुनिया होती है। VR का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एक बेहद ही नई दुनिया का एहसास कराना होता है। इसके बिल्कुल विपरीत ऑगमेंटेड रियलिटी उपयोगकर्ता को असली दुनिया में डिजिटल दुनिया को जोड़ता है, जैसे कि टेबल के ऊपर कुछ सामान रखे हुए दिख सकते हैं या फिर जानकारियों को खिड़की में दिखाया जा सकता है। VR और AR के बाकी सभी टेक्नोलॉजी से अलग होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि ये इंसानी समझ और अनुभूति को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देते हैं। सिर्फ ये ही ऐसे टेक्नोलॉजी है जो अनुभव का पूरा पैकेज देते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी भी नए नए खोजों की भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसके पीछे कितनी अपार संभावना छुपी हुई है। जैसा कि आईफोन के आने से पहले स्मार्टफोन भी ज्यादा प्रचलन में नहीं था, उसी प्रकार इसका भी सही खोज का इंतजार है जो कि VR और AR को क्रांतिकारी रूप में पेश करेगा। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अगर आकलन किया जाए तो 2025 तक AR और VR बहुत ही आम हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।